तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC लेख पर 2022 के बारे में। लेख पर भर्ती कोर्ट अपडेट, जैसे कितने प्रश्न पर कॉमन अंक, ठीक है, और विवादित प्रश्न है उनको भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हो, लेख पर जनवरी में ही आएगा, ठीक है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। UPSC कोई भी अपडेट होती है अपने चैनल पर हम सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, जो लेखपाल की अंतिम जो संशोधन जो उत्तर कुंजी के विरुद्ध क्या है, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जो आपत्ति वाले प्रश्न है, तो उनकी सुनवाई है वो अगली 9 जनवरी को। इनमें 7 प्रश्न है, ठीक है। आपको बता दूं, इस समय जो लेखपाल उत्तर कुंजी के विवाद में 2 केस लगे हुए हैं। एक पहला केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो उज्ज्वला प्रश्न पर है, जिसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी को, जैसा कि मैंने बताया है पहले की वीडियो में, ठीक है। जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है, जो उसका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को होगी, ठीक है। केस नंबर है 16951, ठीक है, वो भी चीज समझ गए होंगे। अब दूसरा केस है 7 प्रश्नों वाला, ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है इस पर। दूसरा केस है 7 प्रश्नों वाला, जिसकी सुनवाई लखनऊ बेंच में है, ठीक है, जिसकी सुनवाई लखनऊ बेंच है, वो 9 जनवरी 2023 को होगी। इसका केस नंबर है 7663, ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे अब ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो जैसा कि आप थंबनेल भी देख रहे होगे, ठीक है, पहले आपको प्रश्न दिखा दूं, ठीक है, जो प्रश्न है, ठीक है, जो यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो, जो प्रश्न नंबर 1 है, जो सी, जो संप्रदान का है, जो यानी कि जो जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक है, जो संप्रादन कारक, ठीक है, संप्रादन कारक, ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कर्म कारक होगा, ठीक है, तो इसमें जो रेफरेंस दिया है नालंदा शामान हिंदी बाई डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है, इसे सही बताया है। तो जो जितने भी स्टूडेंट संप्रदान कारक लगाया होगा, संप्रदान कारक, तो उसमें कर्म कारक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रातकालीन सूर सिंदूर, तो इसमें क्या बताया है, जो करेक्ट आंसर बताया गया है वो सूर गुलाबी, जो नालंदा शामान हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। कहीं ना कहीं हिंदी के 2 प्रश्न फंस रहे हैं। अब जैसे कि 55 नंबर प्रश्न है, ठीक है, अब यानी कि जो आप देख सकते हो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर सी का है, ठीक है, आप अगर आपकी सी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और हमारे साथी उनकी अलग अलग होगी बुकलेट सीरीज, तो उन्हें भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अलग अलग है, ठीक है, जो प्रश्न तो वो ही है, ठीक है। अब 55 में देखते हैं डी, नन ऑफ दी, ठीक है, आंसर है रिवाइज आंसर की डेट 7/9/2022, इसमें डी, मगर करेक्ट आंसर है CNHO2, ठीक है, तो ऑब्वियसली वेबसाइट ऑफ नेशनल हाईवे, इसका रेफरेंस लिया गया, इसे बताया गया, ठीक है। अब जो 57 नंबर प्रश्न है, इसका B8 लगाया है, मगर इसमें क्या होगा, C9, ऑफिशियली वेबसाइट टेस्ट, ये रेफरेंस दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बाज आस्क इन एग्जाम 4 आबकारी सिपाही डेट जो 29/9/2016 में, तो ये सारी चीज दी गई है। अब 80 नंबर प्रश्न है जो उज्ज्वला वाला योजना, तो इसमें ए बताया है, मगर डी में का नन ऑफ दी, ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसमें देख सकते हो, तो इसमें ये करेक्ट आंसर बताया गया है। अब 84 का भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल वेबसाइट आजीविका.com, ठीक है। और जो 7 नंबर है, जो सी का 45% है, मगर इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। तो इसमें इन प्रश्नों को चैलेंज किया गया, ठीक है, तो इनकी जो सुनवाई होगी, वो 9 जनवरी को होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो विवादित प्रश्न है, इनका जो अगर सॉल्यूशन निकल आता है, जैसे कि आप देख रहे होगे, अगर इनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकल आता है, तो आपको बता दूं, आपका रिजल्ट लगभग 100% आना है कि आपका रिजल्ट जनवरी के लास्ट में भी देखने को मिल जाए। अगर 4 तारीख को 9 तारीख को दोनों को इनका जो फाइनल सॉल्यूशन निकल आता है, जैसे कि मुझे पता चला है दोनों का कोर्ट भी अपडेट, तो आपको बता दूं, जैसा कि वो तो उम्मीद बताई उससे पहले भी हम यानी इसे जारी कर सकते हैं रिजल्ट को। आपको बता दूं, ये फिक्स नहीं कर दिया है कि फरवरी के लास्ट में ही रिजल्ट जारी करेंगे, ये तो सिर्फ अध्यक्ष जी ने इस हिसाब से कहा है, अगर 4 तारीख को 9 तारीख को अगर सुनवाई नहीं हो पाती है, किसी समय की वजह से अगर नहीं हो पाती है, तो हालांकि उन्होंने समय ले लिया है कि हम फरवरी तक कर देंगे, मगर आपको बता दूं 4 जनवरी को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसकी अगली सुनवाई है, जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है, ठीक है, उस पर सुनवाई हो जाती है। और दूसरा केस है जो लखनऊ बेंच में, ठीक है, 9 जनवरी को जिसकी सुनवाई है, इसमें 7 प्रश्नों को चैलेंज किया गया, ठीक है। अगर विवादित प्रश्नों पर सुनवाई हो जाती है, तो आपको बता दूं, आपका रिजल्ट जनवरी का लास्ट तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, तो लगभग 1 महीना आपकी DB चलेगी, और 1 से 2 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जब विवादित प्रश्नों की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती कोर्ट में चलेगी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये फंसी जा रही है। अगर विवादित प्रश्न नहीं होते, अगर जैसे उत्तर कुंजी आई थी उस पर याचिका दायर की गई, अगर ये प्रश्न नहीं होते, तो आप बता दूं, आपका रिजल्ट लगभग दिसंबर के माह में देखने को मिल जाता, क्योंकि पेपर भी काफी समय हो गया, 31 जुलाई 2022 को पेपर कराया गया था, लगभग हम 2023 में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, कॉमन अंक, जैसे कि जितने विद्यार्थी, सभी को अंक कॉमन मिलेंगे, जैसे वो तो
कोट के निर्णय पर मतलब पता चलेगा किस पक्ष में कोट का निर्णय जाता है, ठीक है। तो जितने अगर कोट जब कॉमन अंक मिलेंगे तो वो जितने प्रश्न पर जितने एक विद्यार्थी को मिलेंगे वो सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे, ठीक है। वो तो कोर्ट पर निर्भर करेगा कि किसने प्रश्न मतलब जो आयोग के पक्ष में जाएंगे कितने प्रश्न बच्चों के पक्ष में जाएंगे, तो उसके बीच में जितने कॉमन अंक मिलेंगे वो प्रत्येक स्टूडेंट को मिलने वाले, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और कट ऑफ वगैरह अगर आपके जैसे कि मैं बता रहा हूँ कट ऑफ में एक दो मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो 100% निश्चिंत रहिए आपका जो कॉमन अंक मिलेंगे उससे 100% आप फाइनल तक जाओगे, ठीक है। और जैसे कि डीवी की बताता हूँ, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे रहते हैं कट ऑफ को लेकर, कोई बता रहा है 80, कोई बता रहा है 85। आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, ठीक है, क्योंकि 8085 कोई पद कम नहीं होते हैं और लगभग कट ऑफ 85 की नहीं जानी, कोई इसमें 76 पद नहीं है, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर में देखा होगा, ठीक है, उस हिसाब से इसमें पद भी नहीं है 76, इसमें पद है 8085 पद। वो जो कुछ भी कह रहे हैं 85 कोई 80 बता रहा है कोई भी बता रहा है उससे आप निश्चिंत रहिए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैंने बता दिया है 75 डीबी में जाएगा, ठीक है, जनरल का। और आपको बता दूं उससे बोनस अंक मिल जाएगा एक दो मार्क्स, तो 100% फाइनल के कट ऑफ में रहने वाला है, ठीक है। और आपको बता दूं ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा फाइनल कट ऑफ में, देखना एक दो मार्क्स का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो विवादित प्रश्न आपको दिखाई दिए यही इन प्रश्नों की वजह से जो दूसरा केस हमारा लगा है लखनऊ बेंच में 9 जनवरी को उसकी सुनवाई हो जाती है, और जो पहला केस लगा है हमारा यानी कि उज्ज्वला वाला प्रश्न है 4 जनवरी 2023 को अगर सुनवाई हो जाती है तो आपका लगभग जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और तो आशा करते हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारी कहने की चिंतित हैं और उन्हें अभी तक रिजल्ट की जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि काफी समय से। और आपको बता दूं कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी आयोग इन प्रश्नों की वजह से और आपने देखा होगा अदर ईडब्ल्यूएस की वजह से कहीं ना कहीं एएनएम की भर्ती भी फंसी जा रही है, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वहां पर भी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें फाइनल जॉइनिंग नहीं मिल पा रही, आपका तो रिजल्ट है उन्हें जॉइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दूं ये सारी चीजें लगभग जनवरी 2023 के अंदर जितनी भी चीजें सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमको यहीं विराम देते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी अपडेट होती है अपने चैनल पर हम सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, धन्यवाद।